आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। दो मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे और नरेंद्र मोदी कह रहे बहनों थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इंडिया की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। भाइयों बहनों, अब मजे की बात, मन की बात नहीं, मजे की बात। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। अगर आप रायबरेली में रहते हो और आप गरीब हो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में जाएगा। ये लिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपया। हर महीने आप जगोगे रायबरेली के
लोग जगेंगे, किसान, मजदूर, मनरेगा करने वाले, आशा, आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, ये सब उठेंगे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कटाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टकाटक 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 टकाटक। भाई और बहनों, करोड़ों लाखपति बनाने हैं, करोड़ों लाखपति बनाने हैं रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, मैं आपको बता रहा हूं हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे, हर साल लाखों रुपए बैंक अकाउंट में। इसीलिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उन्होंने इसीलिए नरेंद्र मोदी टेंशन ले रहे हैं, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। भाई और बहनों, ये जो पैसा है उस दिन तक आएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। अगर ये गरीबी रेखा तो ये पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। आप सोचिए, लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में लाख रुपए साल के। किसानों को नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून दिए, सारे के सारे किसान सड़क पे उतर आए। हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। रायबरेली के किसानों, अच्छी तरह सुन लो, 4 जून आपका कर्जा माफ होने जा रहा है और पहली बार कांग्रेस पार्टी रायबरेली के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को अपने अनाज के लिए, धान के लिए, आलू के लिए, शुगर केन के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। चिप्स के पैकेट के लिए सही दाम मिलता है, जो भी आप खरीदते हो उस पर लिखा होता है, सही दाम लिखा होता है, मगर जब किसान अपना धान, शुगर केन, कपास बेचने जाता है उसे सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मनरेगा में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, देश में करोड़ों लोग रोज मजदूरी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को रोकने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, आपको हम 400 रुपए मनरेगा के लिए देने जा रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को इसका कहना चाहता हूं, जितना भी आपको आज पैसा मिलता है उससे दुगना आपको इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। अब युवाओं की बात। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ कहा। सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, 15 अगस्त तक काम शुरू। दूसरी बात, अब बहुत सारे युवा कह रहे हैं, रायबरेली के युवा कह रहे हैं, राहुल जी, इंडिया गठबंधन
महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहा है तो हमारा क्या होगा? सही, यही मैं आपको बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं की लिस्ट बनेगी, ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, सबकी लिस्ट बनेगी। हम एक नई योजना ला रहे हैं, जैसे मनरेगा में अधिकार दिया था वैसे हिंदुस्तान के युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार। दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, युवाओं, आपको 1 साल की पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर, सबसे बेहतरीन कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पक्की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और हर महीने 8,500 रुपए, ठगा ठग अंदर बैंक अकाउंट के अंदर, साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पहली नौकरी के बाद आपके लिए परमानेंट नौकरी के लिए रास्ता खुलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको इन योजनाओं के पीछे सोच बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने अपना पैसा लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा, उन्होंने अपना पैसा विदेश भेजा। हम आप भैया थोड़ा शांत हो जाए, बहुत बहुत ऊर्जा है, मगर 2 मिनट शांत हो जाए फिर जोर से चिल्लाना। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसा दिया, इन्होंने अपना पैसा विदेश में खर्च किया। हम हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, आप इस पैसे को रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां जो माल बनाती हैं, जो आप खरीदोगे, वो फैक्ट्रियां सारी की सारी एक बार फिर चालू हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने उनको बंद किया, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जेब में पैसा होगा और वही फैक्ट्रियां आपको रोजगार देंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन सोच। भाई और बहनों, आखिरी 2 चीजें कहना चाहता हूं। हम योजना लाए थे, सोनिया जी लाई थी भोजन के अधिकार की योजना, मनरेगा के बाद हम भोजन का अधिकार की योजना लाए थे और हर गरीब व्यक्तियों को हमने भोजन देने का काम शुरू किया। उस काम को नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहते थे, मगर क्योंकि हम योजना लाए, उन्होंने उस योजना को चलाया। मगर अब मैं हिंदुस्तान के गरीबों से कह रहा हूं, आज आपको 5 किलो मिलता है, हम आपको 10 किलो राशन और दाल देंगे। दाल और तेल राशन कार्ड होल्डर्स को देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, मेरा और मेरे परिवार का आपके साथ 100 साल पुराना रिश्ता है। आप मेरी स्पीचेस देख लो, मेरी स्पीचेस में जो भी मैं कहता हूं मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं बोलता हूं, मगर जो मेरे मुंह से निकलता है वो सच्चाई होती है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं वो करके दिखाता हूं, रुकता नहीं। भाइयों बहनों, कन्याकुमारी से
कश्मीर तक 4000 किलोमीटर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला आदमी हूं, 4000 किलोमीटर चला हूं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ईडी से मेरा इंटरोगेशन कराया, 55 घंटे ईडी ने इंटरोगेशन कराया, सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मैंने उनसे कहा ये जो घर है तुम्हारा इसको उठा के ले जाओ, मुझे ये घर नहीं चाहिए, रायबरेली के जनता में के दिलों में मेरा घर है, हिंदुस्तान की जनता के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, आपके दिल में घर है। भाइयों बहनों, मैं पीछे नहीं हटता हूं, और एक बात समझ लो, वो आप समझ गए हो, नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूं। अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। तो ये रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरी दादी इंदिरा गांधी यहां से लड़ी, उसके बाद मेरी माताजी सोनिया जी जो यहां आई वो आपकी एमपी रही, और उनका भी आपके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है, और उन्होंने भी आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अग्निवीर का बोलूंगा, आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, और मैं आपके लिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। बहुत विकास किया मगर बहुत काम बाकी है, और रायबरेली को पहले नंबर पर पहुंचाना है। ये शिक्षा का सेंटर है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये दुनिया का शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए। अग्निवीर के दो शब्द कह देता हूं, युवाओं से सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज करके नरेंद्र मोदी ने रोजगार छीना, नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके रोजगार छीना। मगर सबसे दुख की बात यह है कि अग्निवीर योजना लागू करके नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया है। 5 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त, 3 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त 10-15 किलोमीटर दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी ने उन सब से कहा कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक गरीब घर का बेटा जिसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसे पेंशन नहीं मिलेगी, जिसे कैंटीन नहीं मिलेगी, उसे अग्निवीर कहा जाएगा, और दूसरा अमीर घर का बेटा जो अग्निवीर नहीं होगा, जिसको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया।